और बालों की झड़ने की समस्या मुझे पिछले लगभग 8 से 9 साल से है। बालों की वजह से जो समस्या थी, मैं अपने आप को बहुत नेगेटिव फील करता था। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 29 साल है और मैं सहारनपुर में जॉब करता हूँ पिछले 3 सालों से। और बालों की झड़ने की समस्या मुझे पिछले लगभग 8 से 9 साल से है और पिछले तकरीबन 2 महीने से ये बालों का झड़ना बहुत तेज़ी से हो रहा है। तकरीबन 8 से 9 वर्ष पहले ये नहाते हुए और सोते हुए भी मुझे अपने बालों की गिरने का बहुत ज़्यादा मतलब पता चल गया कि मेरे जो बाल हैं बहुत तेज़ी से सामने की ओर से बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। और मेरे पिताजी जो है वो मतलब 40 की उम्र में बाल्डनेस हो गए थे, क्योंकि मुझे जानकारी हुई थी। तो शायद ये जेनेटिक भी है और ये जॉब करने की वजह से, जो जगह जगह का पानी और खान पान की वजह से है, उसके वजह से हेयर लॉस की समस्या ज़्यादा बढ़ गई है। और ट्रीटमेंट के तौर पे मैंने कुछ घरेलू नुस्खे और जो खाने पीने की जो डाइटिंग होती है उसको फॉलो किया था। और घरेलू नुस्खों में जो है, जैसे नींबू हो गया और तुलसी वगैरह और शैम्पूज हो गए, आयुर्वेदिक वगैरह यूज़ किया, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ पाया और बालों की झड़ने की समस्या तस की तस रही। क्योंकि मैं एक यंग एज हूँ और मुझे फ़ोटो खिंचवाना काफ़ी अच्छा लगता है और मैं पुलिस में जॉब करता हूँ, तो बालों की वजह से जो समस्या थी, मैं अपने आप को बहुत नेगेटिव फील करता था। तो बस पॉजिटिव रहने के लिए मैं सोचता हूँ कि ये ट्रांसप्लांट के बाद मैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव महसूस करूँगा और आम जनमानस में जाने पर जो है मेरा जो प्रभाव रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। और इसीलिए मैंने जो है ये ट्रांसप्लांट कराने का निर्णय लिया है। QHT के बारे में जानकारी जो है YouTube के माध्यम से चली थी, क्योंकि मैं राजपाल यादव का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैंने उन्हीं के द्वारा जो है उसी में कराने का निर्णय इसीलिए लिया था क्योंकि मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। और जाहिर सी बात है, अगर कोई एक अच्छा सेलिब्रिटी कहीं से कराएगा तो वहाँ पर कराने का निर्णय यही होगा कि वो जगह बहुत ही पॉजिटिव और किफ़ायती और बहुत ही अच्छी जगह होगी कराने के लिए। जो QHT के द्वारा जब मैं संपर्क हुआ, वो एक सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ था, वहीं से मैंने नंबर ये लिया था। और नंबर बात करने पर जो QHT के जो कस्टमर हैं, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हैं, उनका जो मेरे से बात करने का तरीका और उन्होंने जो मुझे समझाना तरीका था वो काफ़ी अच्छा लगा। और WhatsApp के माध्यम से उन्होंने मेरी पिक्चर मांगी और उन्होंने मुझे मेरी सारी जो क्वेरी थी, जो सारे मेरे प्रश्न थे, उनका बहुत अच्छे तरीके से मुझे जो है सेटिस्फाई किया उस चीज़ को लेके कि कितने ग्राफ होंगे। और QHT के कस्टमर एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया है कि लगभग 2500 से 3000 तक जो है मेरे ग्राफ्स की ज़रूरत पड़ेगी और जो है ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी मैं QHT क्लिनिक पर आ गया हूँ और अभी मेरा फोटो सेशन होगा, उसके बाद मैं डॉक्टर से मिलूँगा और जो भी मेरे क्वेरी हैं डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके मैं अपनी जो मेरे डाउट है मैं दूर करूँगा। उसके बाद मेरी सर्जरी और सर्जरी को लेके मैं थोड़ी टेंशन है, या फिर कह सकते हैं कि मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ इस चीज़ को लेके कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और मेरा ट्रांसप्लांट को लेके जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि इस तरह मेरी जो है QHT तकनीक के द्वारा कंप्लीट हुई है। मेरे 2300 प्लस जो है ग्राफ्ट लगे हैं और कुल मिला के जो एक्सपीरियंस है बहुत शानदार रहा। मेरी सर्जरी को 2 दिन लगे हैं और सर्जरी के दौरान कोई भी तकलीफ नहीं हुई है, किसी तरीके की कोई भी जो टेंशन रहती है कि सर्जरी को लेकर काफ़ी और इचिंग होती है या फिर दर्द होता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और डॉक्टरों का जो कुल मिला के जो व्यवहार रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। डॉक्टरों का जो पूरा कंसल्ट है और जो डॉक्टर द्वारा जो टीम मेरे साथ में रही है, उनके जो कह सकते हैं उपकरण हैं या फिर मशीनें हैं, वो काफ़ी अच्छी हैं, जिससे जो तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होती है। और डॉक्टरों का ओ टी में जो एक सपोर्ट होता है वो बहुत शानदार था, आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होती है। और
जो मेरे QHT तकनीक द्वारा ये ग्राफ्ट इम्प्लांट हुए हैं, डॉक्टरों ने इसको लेकर काफ़ी मुझे सलाह दी है कि किसी भी तरीके से धूप में ना जाएं और धूल से, मिट्टी से और ऐसी किसी भी जगह से मना किया है जहाँ पे मेरे ग्राफ्ट को कोई दिक्कत आए और बाल उगने में कोई दिक्कत ना हो। हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों में काफ़ी दुविधा रहती है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि आपको बिल्कुल कराना चाहिए, क्योंकि आपको अगर पूरी लाइफ भर पॉजिटिव रहना है तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल कराना चाहिए। इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है या फिर कोई दिक्कत नहीं आती है, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और समय मिलने पर अपना QHT या फिर DST जो भी आप चाहते हैं वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट ज़रूर कराइए। पहला PRP सेशन अगले एक महीने बाद होगा और मिलते हैं पहले सेशन में। थैंक यू QHT। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।